राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पाली और राजसमंद के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम सोजत के गाकुड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सीएम दौरे को लेकर जिला कलेक्टर नमित मेहता एवं एसपी गगनदीप सिंगला ने शिविर की तैयारी को अंतिम रूप दिया है। इस दौरान सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, अविनाश गहलोत, सांसद पीपी चौधरी, विधायक शोभा चौहान की यात्रा के दौरान शिविर में मौजूद रहेंगे। राजस्थान के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा मंत्री बनने के बाद पहली बार राजगढ़ पहुंचे। उन्होंने टहला चौराहे पर संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं ने मुझे जो सम्मान दिया है, मैं उन सब कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि पहले भी आपके बीच में आम कार्यकर्ता की तरह रहता था और आपके पास आता था। जो शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी है, मैं आपको विश्वास देता हूं कि आने वाले समय में आपका यह बेटा संजय साधारण कार्यकर्ता की तरह दिखेगा और हर कार्यकर्ता का सम्मान होगा। कार्यकर्ताओं के कहने से राज्य सरकार में काम होगा। इससे पूर्व अलवर सीमा में प्रवेश करते ही भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में स्वागत किया। इसके अलावा विभिन्न जगह सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं सर झुका करके आप सबको धन्यवाद देता हूँ, सादर वंदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ और ये विश्वास देता हूँ कि पहले भी आपके बीच में साधारण कार्यकर्ता की तरह रहता था, जीता था, आपके पास आता था और जो शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी है, मैं आपको ये विश्वास देता हूँ कि आने वाले समय में आपका ही अपना बेटा संजय आपके बीच में साधारण कार्यकर्ता की तरह ही दिखेगा। ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। हर वोट पर कार्यकर्ता का सम्मान होगा और कार्यकर्ताओं के कहने से राज्य सरकार में काम होगा, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। अजमेर के मदनगंज में किशनगढ़ रोडवेज बस ने महिला और बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में मासूम बच्ची की टायर के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायल महिला को जेएलएन हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतक बच्ची का शव मर्चरी में रखवाया और रोडवेज बस को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू की। भीलवाड़ा के रायपुर थाना अंतर्गत सगरेव ग्राम में किशोर की पेड़ पर लटकी हुई लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक घर से बकरियां चराने के लिए निकला था, जंगल में बकरियां चरा रहे अन्य लोगों की नजर लटकी हुई लाश पर मिली तो उन्होंने ग्रामीणों एवं पुलिस को सूचना दी। सूचना पर रायपुर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव रायपुर मर्चरी में रखवाया। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि उसके भाई की हत्या कर शव को लटका दिया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। मेड़ता रोड में चल रही स्वर्गीय नंदू सिंह स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन फाइनल मैच के साथ संपन्न हुआ। इस मैच के दौरान भारी संख्या में खेल प्रेमी तथा ग्रामीण खेल मैदान पर सुबह से शाम तक मैच देखने के लिए डटे रहे। यह फाइनल मैच बड़ा ही रोमांचक रहा। इस क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच राणा बेंगल्स और एएमसीएस के बीच खेला गया, जिसमें एएमसीएस टीम ने राणा बंगाल टीम को 2 रनों से पराजित करते हुए जीत हासिल की। एएमसीएस टीम की जीत के बाद खेल मैदान में जश्न का माहौल छा गया तथा लोगों ने विजेता टीम को गले मिलकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान एमएसए मेड़ता रोड के अध्यक्ष मोहम्मद अख्तर नदीम ने खिलाड़ियों का संबोधित करते हुए कहा कि इन खेलों के दौरान सभी टीमों ने अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ खेल खेले हैं और यह सभी टीमें बधाई की पात्र हैं। इस दौरान उन्होंने एमएसए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि अब यह कार्यभार किसी और को सौंपना पना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं इस संस्था में अपने पद से इस्तीफा देने के बावजूद भी आवश्यकता पड़ने पर हमेशा तैयार रहूंगा। तो ये पहले दिन हमने ये बात कही थी कि जब अच्छी शुरुआत हो गई है तो अंत भी हो जाएगा और अंत जब अच्छा हो गया है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। सभी का बहुत बहुत स्वागत। बाहर से पधारे हुए हमारे जितने भी सम्माननीय अतिथिगण हैं उन सबका एमएसए परिवार की तरफ से
तहे दिल से स्वागत है। टूर्नामेंट्स ऐसे ही नहीं होते, इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। और मैं हर उस व्यक्ति को जिसने यहाँ से इस ग्राउंड से एक पत्थर भी एक कंकर भी उठा करके साफ किया है, मैं उसको तहे दिल से एमएसए परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ी चीज है। ये लोग नींव की ईंट होते हैं, कंकुरे सभी सामने आने की कोशिश करते हैं। डिडवाना के नजदीकी इंद्रपुरा गांव में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें मां और बेटे की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि परिवार का मुखिया गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने दोनों मृतकों को गाड़ी से निकालकर राजकीय बागड़ अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 45 वर्षीय समीना और उनके बेटे 27 वर्षीय फरहान को मृत घोषित कर दिया, जबकि समीना के पति 55 वर्षीय शरीफ का उपचार किया जा रहा है। फिलहाल दोनों मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसलमेर के पाला सनिषिद्ध शक्ति पीठ योगी राज चिड़ियानाथ जी महाराज के आसन में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भजन संध्या, समाधि पूजन, हवन, पीर महंत मठाधीशों का पदार्पण, स्वागत समारोह, प्रवचन सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का किया गया। वहीं गिरवरनाथ जी महाराज की चादर रस्म भी करवाई गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विधायक महंत प्रताप पुरी महाराज एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित देश भर के कई साधु संत एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। अलवर के मालाखेड़ा स्थित MRF टायर्स एजेंसी पर देर रात राज्य मंत्री संजय शर्मा का जयपुर से अलवर जाते समय स्वागत सत्कार किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले 100 मीटर दौड़ पैरा एथलेटिक्स में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले नेत्रहीन मोनू जाट का गोल्ड मेडल पहनाकर और साफा बांधकर स्वागत किया। संजय शर्मा ने बताया, यह हमारे समाज देश प्रदेश की विभूति है, जिन्होंने हौसला रखते हुए शरीर की किसी भी कमी को नजरअंदाज करते हुए गोल्ड मेडल अर्जित किया है। इससे मालाखेड़ा, अलवर और राजस्थान प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब यह गोवा में 11 जनवरी को राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी, उसमें भी गोल्ड मेडल हासिल कर ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। इस अवसर पर सरपंच राजेश कुमार, बलबीर सिंह, राजेंद्र सिंह, शेडू राम यादव, जितेंद्र यादव, ईश्वर सिंह, विजेंद्र सिंह, केदार शर्मा, राहुल सिंह, जितेंद्र राठौड़, मूल सिंह राजपूत, राधा किशन गुर्जर, नरेंद्र सिंह सहित अन्य भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री के अलवर आगमन पर मालाखेड़ा में पैरा एथलेटिक्स भी स्वागत के लिए आए, लेकिन मानवता दिखाते हुए राज्य मंत्री संजय शर्मा उस नेत्रहीन स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी के पास पहुंचे और उसको मेडल पहनाकर और साफा बांधकर उसका स्वागत सत्कार अभिनंदन किया। इससे पैरा एथलेटिक्स मोनू द्रवित भी हुआ और उन्होंने कहा, आपका आशीर्वाद रहा तो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल अर्जित करूंगा। देर रात्रि तक इस कड़ाके की शीतलहर में भी नेत्रहीन खिलाड़ी उनके स्वागत सम्मान के लिए इस में गोल्ड मेडल लिया है। और क्या तैयारी है अब? सर, मेरी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी चूरू में, जिसमें मैंने 100 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और अभी 11 तारीख को मेरी नेशनल की रनिंग है, जो कि गोवा में आयोजित होने वाली है। इसमें मेरा मेडल मारने का सपना है। राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भजन लाल मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में शहर विधायक संजय शर्मा राज्य मंत्री बने हैं, जहां स्वतंत्र प्रभार मिलने के बाद उनका अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सर्व समाज और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भव्य स्वागत सत्कार किया। इस दौरान पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह, बलबीर सिंह, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि राजेश कुमार यादव ने राज्य मंत्री से राष्ट्रीय नहर परियोजना लाने की पुरजोर मांग उठाई, जिस पर राज्य मंत्री ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, जय समंद बांध में पूरा पानी पहुंचे, अलवर शहर में 38 करोड़ की पेयजल योजना लागू हो, इसके पूरे प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। बजट सत्र में यह सौगात अलवर जिले को मिलेगी।
हमारी तो मंत्री जी से एक ही मांग है, अगर 13 जिलों में ERC की योजना लागू की जाए और इसका विस्तार भी किया जाए। आज मालेखेड़ा में राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा जी का भव्य स्वागत किया गया और समस्त क्षेत्रवासियों की मांग है कि मालेखेड़ा में और पूरे अलवर जिले में नहर योजना लाई जाए ताकि सारी समस्या जो पानी की समस्या है वो जिले की समस्या खत्म हो जाए और किसानों को पानी और पीने का पानी मिल सके। इसे एक यही मांग है कि हमारे 13 जिलों में पानी की जो मांग है ERPC को इसको लागू करें जल्द से जल्द और इस क्षेत्र को बढ़ावा मिले और ये किसान है जो अपने खुद के अपने पैरों पर खड़े हो जाए, किसानों की अहम मांग। देखिए, मैंने उस योजना के लिए लगभग पूरा 1-1.5 साल संघर्ष किया, चाहे विधानसभा का सदन हो चाहे अलवर शहर की सड़कें हो, और उसका परिणाम भी आया और मुझे बताते हुए खुशी है कि एक जलदाय विभाग की एक बड़ी कमेटी है, उस कमेटी ने अपनी सहमति उस योजना को दे दी है और वो योजना फाइनेंस विभाग में लंबित है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आने वाले बजट सत्र में या उससे पहले, क्योंकि वो 38 करोड़ की योजना है और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले बजट सत्र में 38 करोड़ की योजना को राज्य सरकार अपनी अनुमति प्रदान करे, सहमति प्रदान करे, तो निश्चित रूप से अलवर शहर की पानी की समस्या को निजात मिलेगा। साथ ही साथ जो जैसमंद बांध, जिसमें पानी क्योंकि बरसात भी कम हो रही है और अलवर भरतपुर का स्टेट टाइम का एक समझौता है जिसमें 55% पानी भरतपुर को जाता है और 45% पानी अलवर को मिलता है, लेकिन भरतपुर में चंबल का पानी बहुआयात में आ चुका है, पूरा भरतपुर जिला चंबल के पानी से लाभान्वित हो रहा है और अलवर जिला पानी के लिए तरस रहा है। तो हम प्रयास करेंगे कि हमारी पुरानी मांग भी थी कि नटनी के बारा भाव क्षेत्र में जो डायवर्जन है पानी को लेकर के, और मुझे जानकारी भी है कि इरिगेशन विभाग के द्वारा पहले 2-2 फुट के वहाँ पाइप के रूप में गेट लगाए गए थे लेकिन किन्हीं कारणों से उनको हटाना पड़ा, तो हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में वहाँ लगभग 1.5-2 फुट के जो पानी के गोल चैनल्स लगती हैं वो लगे और अलवर का जैसमंद का बांध भरेगा तो निश्चित रूप से अलवर शहर की पानी की समस्या, बोरिंग रिचार्ज होंगी समस्या दूर होगी, लेकिन अलवर ग्रामीण क्षेत्र के हमारे किसान भाइयों को और पीने के लिए। अलवर भजन लाल सरकार के मंत्रिमंडल गठन में यादव समाज की अनदेखी को लेकर समाज के लोग लामबंद होकर जिला कलेक्टर से मिला। वहीं राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद यादव समाज ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि 3 लोकसभा क्षेत्रों में यादव समाज भाजपा को वोट कर रहा है, उसके बावजूद यादव समाज से कोई मंत्री नहीं बनाया गया है तथा संगठन में उचित प्रतिनिधित्व मिला है, जिसमें समाज में असंतोष की भावना व्याप्त हो गई है। उन्होंने पार्टी से मांग की है कि संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार में समाज की भावनाओं का ध्यान रखे। यादव समाज के अध्यक्ष के नेतृत्व में समाज के प्रबुद्ध जनों ने नाराजगी जताते हुए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पत्र सुपुर्द किया। समाज ने अध्यक्ष ने कहा आगामी 13 तारीख को यादव समाज के द्वारा शहर के ज्योतिबा फूले सर्किल पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और लोकसभा चुनाव में BJP को करारा जवाब देने की चेतावनी दी है। मेरा नाम फतेह सिंह यादव है और कलेक्टर साहब को हम ये ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं कि अलवर जिला पूर्वी राजस्थान का अहिरवाल का बहुत बड़ा क्षेत्र है और अहिरवाल की जो हमारी पॉपुलेशन है ये 3 लोकसभा क्षेत्रों को तो सीधी प्रभावित करती है, जिसमें भरतपुर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, चूरू, झुंझुनू, वहाँ भी लाखों वोट हैं और सन 62 में घासीराम जी मंत्री बने थे और उसके बाद में हर सरकार में, चाहे भैरू सिंह जी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, हमेशा हमारे समाज का प्रतिनिधित्व तो रहा है, लेकिन इस बार जिस तरह की उपेक्षा की गई है और जिस तरह से पूर्वी राजस्थान में हार्डकोर चुनाव बनाकर बाबा बालकनाथ का चेहरा सामने रखकर जिस तरह चुनाव लड़ा गया और उसके बाद जिस तरह की उपेक्षा समाज की गई, ये समाज के बर्दाश्त नहीं है और समाज इसके लिए संघर्ष करेगा और आने वाले कल में अगर हमारी मांग ये नहीं मानी गई, सरकार ने प्रतिनिधित्व नहीं दिया, तो हम भी संघर्ष को और भी लंबा जाएंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में इस NDA का हमारे पास विकल्प है PDA, और PDA की रक्षा के लिए, उसके संघर्ष के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके हक और हकूक के लिए समाज लड़ेगा और इस BJP को सबक भी सिखाने का जज्बा ये कौम रखती है, ये जिंदा कौम है
और जिंदा कौम ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करती है। 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे हम अभी 3 महीने बाद ही इसका उत्तर देंगे। और इस कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने आए हैं कि आगामी 13 तारीख को हम एक बहुत बड़ा जिले स्तर पर रावतुल्लाराम सर्किल पर समाज का धरना होगा और उसके बाद में संघर्ष की। अलवर शहर में चोरों के हौसले बुलंद, सोने मकान को देखकर चोरी करते हैं। वारदात शहर के कोतवाली क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, घटनाएं पुलिस के हाथ है खाली। ऐसा ही मामला 27 दिसंबर का है, जहां स्कीम 10 निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ 2 मिनट में हुई घटना। पीड़ित पूर्व पार्षद पूरण खंडेलवाल ने बताया 27 दिसंबर को वह रोज की तरह अपनी दुकान बढ़ाकर चूड़ी मार्केट स्थित गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। उसी दिन वह दर्शन करके वापस घर लौटे तो उनकी स्कूटर के बैग में रखे करीब 50,000 रुपए अज्ञात युवक लेकर फरार हो गया। इसकी सूचना उन्होंने कोतवाली थाने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर आकर घटनास्थल का जायजा लिया, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। पीड़ित 2 जनवरी 2024 को अपने मामले को लेकर थाने में पूछने गया, तब पुलिस ने दोबारा एप्लीकेशन लेकर पीड़ित का मामला दर्ज किया। 1 सप्ताह बाद पुलिस इस मामले को लेकर नींद से जागी और मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू की। लेके आया ये 27 तारीख बुधवार शाम को 7:30 बजे मैं दुकान से ऑफ करके नहीं और गणेश जी के यहाँ मंदिर पे गया था, जो अपने लाल गेट है चूड़ी मार्केट में। ऐसे तो मैं वहाँ करीब डेली ही जाता हूँ शाम को दुकान पर आने के बाद में टोक देने के लिए। उस दिन भी जैसे आम दिन जाता हूँ वैसे ही किया था। मेरे थैले एक बड़ा थैला जो होता है इसमें सामान था और वो बैग रख कर ही मैं यहाँ से दुकान से चला गया। वहाँ मैंने साइड में जैसे ही स्कूटर खड़ा किया और मैं ढोक देने गया, इसी बीच में किसी ने उसको बैग को उसमें से ऊपर से बैग ले गया, बाकी थैला यूँ क्यों था पड़ा। उसके बाद में वहाँ जैसे चर्चा हुई तो एक आध जो फुटेज देखे कैमरे लग रहे थे उसमें देखने से वो व्यक्ति नजर आता है उसमें, लेकिन शक्ल नजर नहीं आई। उसके तुरंत बाद मैं सीधा कोतवाली गया। कोतवाली में मैं जाकर अपनी बात करी तो वहाँ से एक मैडम अफसर जो भी थी वो आई और वहाँ मौका मुआयना करके चले गए। 28 तारीख को मैंने एप्लीकेशन वहाँ कोतवाली में लगाया है सुबह। कितने पैसे थे? हाँ जी, कितने पैसे थे? देखो तो उसमें लगभग अंदाजे से बता रहा हूँ कि 50 के आसपास थे। दुकान की चाबी थी, 2 चेकबुक इंडियन ओवरसीज बैंक की थी, इसके अलावा कागज थे जो कोई ऐसे महत्वपूर्ण कागज उसमें नहीं। तो मामला आपने 28 को दर्ज कराया है? ये जी मैं एप्लीकेशन दूँ 28 से क्या, लेकिन पुलिस ने मामला कल दर्ज किया है। कल मैं एक्चुअली वहाँ पूछने गया था कि भाई मेरे उसमें क्या हुआ, तो वहाँ जो मिले थे उन्होंने कहा भाई पता नहीं, फिर उन्होंने कहा आप एक एप्लीकेशन और लगा दो। मैं एप्लीकेशन दूसरी लिखे थे। अच्छा, तो अब इस विषय में तो मैं क्या बता सकता हूँ भाई उन्होंने इतने दिन तक क्यों नहीं किया या क्या वजह थी। मेरे को पहले उसी दिन सुबह उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन से करा दीजिए। मैं ऑनलाइन कई मित्रों पर भी गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ दर्ज नहीं होती, ये तो पुलिस वाले ही कराते हैं। अब ये इतनी नॉलेज मेरे को है भी नहीं, जानकारी थी, तो इसलिए मैं कैसे कह सकता हूँ। बाकी कल मेरी दर्ज हो गई। क्या नाम आपका? पूरन खंडेलवाल। किस चीज़ दुकान आपकी? कन्फेक्शनरी की, मिठाई गोली टॉफी। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र के बीजभा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर लगाया जाएगा। इसको लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा नालों की सफाई कराई जा रही थी, लेकिन ग्रामीणों ने सफाई व्यवस्था का विरोध किया। धीरे धीरे एक बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि 4 वर्षों के अंतराल में एक दिन भी गाँव में सफाई नहीं कराएगी और कैंप को लेकर सफाई कराई जा रही है। इसी चीज का ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि गांव में कैंप लगाया जा रहा है इसलिए पूरे गांव की सफाई करवाई जा रही है और साथ ही जेसीबी से नालों की सफाई का कार्य भी चल रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। साथ ही कैंप में इसका विरोध करने की बात कही। यहाँ पर कैंप लगेगा उसके लिए ये सफाई हो रही है, अभी तक 4 साल के अंदर सफाई नहीं करवाई है इन्होंने कभी भी। अब ये कैंप के अधिकारी जो आएंगे उसके लिए सफाई हो रही है। यहाँ बस जो स्कूल के पास पास है वो सफाई हो रही है और गांव की सब नालियां गंदी हैं। एप्लीकेशन भी दे रखी है, पूरा साल हो गया है, कोई उसकी मतलब कार्रवाई नहीं हो रही है।
और दिखावा करने के लिए हम सफाइयां कर रहे हैं। ये देखिए नाली, कृपया कैमरामैन दिखाओ उधर नालियों का हाल है। पानी देखो यहाँ पे, और ये जेसीबी लगाकर सर देखिए हम सफाई करवा रहे हैं यहाँ पे। और राजी नहीं है एक मिनट भी, कहते हैं कि सरपंच कहते हैं कि मैं सफाई क्यों करवाऊंगा भाई यहाँ पे। क्या पंचायत के अंदर कोई पैसा नहीं आ रहा क्या? ग्राम का कोई विकास हो, कोई पानी की सुविधा नहीं है, बुरा हाल है। पानी की सुविधा नालियों में जरूर है, ये देखिए